नमस्कार साथियों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन स्टडी चैनल। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में कि सीमेंट क्या है और कहां से बनाया गया था, ये कैसे बनाते हैं, सीमेंट का सर्वप्रथम यूज़ कहां हुआ था, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हर रोज़ हमारी जो भी नई अपडेट आए वो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीमेंट के बारे में। साथियों, सीमेंट जो है हम आए दिन कहीं ना कहीं यूज़ होते हुए देख लेते हैं, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग अगर आप ब्रांच हैं और साइट इंजीनियर हैं तो आपको सीमेंट के बारे में जो नॉलेज है वो रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज हम बेसिक नॉलेज के बारे में बात करते हैं सीमेंट की। साथियों, जो सीमेंट की जो बेसिक नॉलेज, सीमेंट को कहाँ से बनाया गया, कौन कौन से मटेरियल्स इसमें मिलाए गए, तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि जो सीमेंट को जो है बेसिकली इसमें कोहेसिव और एडहेसिव मटेरियल्स को मिलाकर हम लोग मिलाई जाती है। एडहेसिव और कोहेसिव मटेरियल्स वो इसलिए इसमें इन्वॉल्व होते हैं ताकि जो कोहेसिव और एडहेसिव जो होती हैं उनकी जो जो पार्टिकल्स हैं सीमेंट जो है वो एक दूसरे को बॉन्ड बनाने में बहुत ही आकर्षित होते हैं। अगर मान लीजिए सीमेंट के साथ किसी भी और पार्टिकल्स का अगर मिला दिया जाए तो उनके साथ जो बॉन्डिंग होती है वो बेहद ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। वो कोहेसिव और एडहेसिव के कारण ही बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होना संभव है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग कि इसमें कौन कौन से मटेरियल्स को मिला प्रोडक्शन के दौरान हम मिलाते हैं। तो दोस्तों, जो प्रोडक्शन जब हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम 65% लाइमस्टोन, जिसको हम कैल्सेरियस मटेरियल्स बोलते हैं, और 35% क्ले, जिसको हम आर्जिलेसियस मटेरियल्स बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर जो रोटरी किल्न होती है उसका हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए। अब रोटरी किल्न में इसको पकाते हैं और उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वो 1450 डिग्री सेल्सियस होता है। साथियों, जब इसमें जो इन दोनों मटेरियल को जब गर्म करते हैं तो इसमें जो है छोटे छोटे कंकड़ से बनते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं उनको हम क्लिंकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? क्लिंकर बोला जाता है। और साथियों, जो क्लिंकर जो होते हैं इनको हम क्या करते हैं, इनको हम लोग पीसते हैं। क्या करते हैं? इनको हम पीसते हैं और इनको अच्छे से पीसने के बाद सबसे पहले इसमें गोल वॉल मिल होती है। इसमें दो मिल यूज़ करते हैं, एक तो वॉल मिल होती है, फिर उसके बाद ट्यूब मिल होती है। वॉल मिल से पिसाई करते हैं, उसके बाद फिर जो पिसा हुआ मटेरियल्स होता है उसको ट्यूब मिल में भेज देते हैं, और ट्यूब मिल से अच्छे से उसको पीस के देन सीधे जो बैग्स होते हैं उनमें पैक कर दिया जाता है। साथियों, एक बैग में जो आपको पता है कि 1 बैग इक्वल टू 50 kg होता है, और 1 kg जो 1 बैग 50 kg का जो वॉल्यूम होता है, या फिर मान लीजिए कि 1 बैग का जो वॉल्यूम होता है 0.035 m³ वॉल्यूम होता है। तो ये बेसिक जानकारी आपको रखनी बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों, अगर हम बात करें इसकी ग्रेड्स के बारे में, तो आपको मार्केट में जो OPC सीमेंट है वो 33, 43 और 53 कि ग्रेड्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब जैसा कि आपको जानोगे कि 33 क्या है, 43 क्या है और 53 क्या है, ये सीमेंट्स की ग्रेड है जो कि 28 दिन की क्यूरिंग के बाद हम लोग प्राप्त करते हैं। कितनी? 28 दिन की जो क्यूरिंग होती है उसके बाद जो स्ट्रेंथ हम निकालते हैं उसको बोलते हैं जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलते हैं वैसे इसको 43। तो ये 28 डेज बाद, किसके 28 दिन के बाद पूरा क्यूरिंग करते हैं 28 दिन तक, फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं, फिर जाके हमारी जो स्ट्रेंथ आती है, तो उसी के बेसिस पे 33, 43 और 53 ग्रेड्स जो है सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो सीमेंट है, सीमेंट का सर्वप्रथम यूज़ कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, सीमेंट का जो सर्वप्रथम यूज़ है वो इंग्लैंड में हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड में एक राजमिस्त्री थे जोसेफ अस्पिडन, जिन्होंने 1824 में सीमेंट का इंट्रोडक्शन दिया था पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने कहा जो है इस सीमेंट का यूज़ वेंडिंग मटेरियल्स के तौर पर किया गया था। साथियों, जो सीमेंट को पोर्टलैंड हम क्यों कहते हैं, कहा जाता है, तो ये जो सीमेंट का जो कलर है वो कलर सेम इंग्लैंड में ही पोर्टलैंड की खदानें हैं उनसे जो लाइमस्टोन निकलता है उसका कलर और जो हमारे सीमेंट का कलर सेम कलर होता है। दोस्तों, सीमेंट का जो कलर होता है वो ग्रे कलर का कलर होता है। कौन सा कलर होता है? ग्रे कलर का कलर होता है, और इसीलिए हमने इसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से पूरी दुनिया में ये आज बिक रहा है, यहाँ सेल हो रही है। ठीक है साथियों, ग्रेड्स की हम लोग बात कर लिए, ये कब बना ये भी बात कर लिए,
अब हम बात करते हैं साथियों इसके जो है मेथड्स की बनाने की। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक तो ड्राई प्रोसेस होती है, दूसरी वेट प्रोसेस होती है। ड्राई में इसको सूखा कर सूखा पीसा जाता है, और वेट में इसको गीला करके पीसा जाता है। ठीक है साथियों, अब अगर हम बात करें इसके रोटरी किल के बारे में, जैसा कि अभी हम लोग यूज़ कर रहे थे सीमेंट को पकाने के लिए रोटरी किल का, तो दोस्तों जो रोटरी किल हैं वो सर्वप्रथम जो है सीमेंट की प्रोडक्शन में यूज़ हुई थी 1886 में। 1886 में जो रोटरी किल हैं घूर्णन भट्टी का प्रयोग किया गया था सीमेंट को बनाने के लिए, जो कि फेडरिक रानसन ने पहली बार यूज़ किया था। नाम याद रख लेना कि फेडरिक रानसन ने सीमेंट प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले रोटरी किल का इस्तेमाल किया था। तो साथियों ये थी सीमेंट के बारे में बेसिक जानकारी। और हाँ एक पॉइंट है आपको कि सीमेंट का जो पार्टिकल्स के जो साइज़ होते हैं 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन के बीच में रहना चाहिए। तो ये थी अब तक की जानकारी साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।